प्रचंड बहुमत के बाद भी महाराष्ट्र के लोगों को अपना नया मुख्यमंत्री नसीब नहीं हुआ। बीजेपी और शिंदे सेना के बीच कई दौर की बैठक हो चुकी है, मगर सहमति नहीं बन पा रही। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे बीजेपी की इस मांग में राजी हो गए कि सीएम बीजेपी का ही होगा, मगर इसके साथ ही शिंदे ने कुछ डिमांड लिस्ट बीजेपी को सौंप दी है। हालांकि इन सब के बीच देवेंद्र फडणवीस के लिए बुरी खबर सामने आ रही है। सूत्रों का कहना है कि फडणवीस के अलावा दूसरे विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस शीर्ष पद के लिए रेस में सबसे आगे माने जा रहे हैं, लेकिन अब केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर का नाम भी चर्चा में आ चुका है। अब आपको बताते हैं कि दरअसल कौन है ये मुरलीधर मोहोल। मुरलीधर मोहोल पुणे से सांसद हैं। वो मोदी 3.0 में सिविल एविएशन और सहकारिता राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वो पुणे के मेयर भी रह चुके हैं। मोहोल महाराष्ट्र के प्रभावी मराठा समुदाय से आते हैं। उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का विश्वास पात्र भी माना जाता है। उन्होंने पुणे लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र धांगेकर को 125,000 वोटों से चुनाव हराया था। उन्होंने बीजेपी में 3 दशक पहले अपने सियासी करियर की शुरुआत की थी। मुरलीधर ने शिवाजी विश्वविद्यालय से आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। 12 साल की उम्र से वो आरएसएस में शामिल हुए। 1996 में वो बीजेपी से जुड़े। उन्होंने पुणे में भारतीय जनता युवा मोर्चा के लिए काम भी किया। राजनीतिक हलकों में अटकलें हैं कि अगर फडणवीस को बीजेपी और भूमिका देना चाहती है तो ऐसे में हो सकता है कि मुरलीधर मोहोल मुख्यमंत्री बने। पिछले दिनों सोशल मीडिया मैसेजिंग ऐप पर एक मैसेज वायरल भी हुआ था। इसमें कहा गया था कि महाराष्ट्र में आश्चर्यजनक घटनाक्रम होने की उम्मीद है। पुणे से सांसद मुरलीधर मोहोल महाराष्ट्र के सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस को नड्डा की जगह बीजेपी के अगले अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। व्हाट्सएप गॉसिप के साथ वो सोशल मीडिया पर मुरलीधर मोहोल से जुड़ी पोस्ट भी सामने आ चुकी है, जिसमें दावा किया गया है कि अगर देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो ऐसी स्थिति में मुरलीधर मोहोल विकल्प हो सकते हैं। हालांकि इस पर मोहोल ने अपनी प्रतिक्रिया भी साझा की। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए मैसेज को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मोहोल ने कहा कि सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए मेरे नाम की अटकलें निराधार और मनगढ़ंत हैं। बीजेपी ने हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ा था। महाराष्ट्र की जनता ने भी ऐतिहासिक जनादेश दिया। मोहोल ने कहा कि भाजपा में निर्णय संसदीय बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, सोशल मीडिया पर अटकलों के माध्यम से नहीं। एक बार संसदीय बोर्ड निर्णय ले लेता है तो पार्टी का निर्णय हमारे लिए सर्वोच्च होता है, इसलिए सोशल मीडिया पर मेरे नाम के बारे में अटकलें लगाना बेमानी है। राज्य की 288 विधानसभा सीटों में महायुक्ति गठबंधन ने 230 सीटों पर भारी बहुमत हासिल किया। भाजपा ने 132 सीटें जीती, जबकि उसके सहयोगी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 57 सीटें जीती और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 41 सीटें जीती हैं।